तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है सीवी प्लस के एंड से आने वाला एक सिक्योरिटी कैमरा जिसका मॉडल नंबर है E24A। बॉक्स को ओपन करने से पहले आपको इसके कुछ फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और ये जो कैमरा है ये फुल एचडी कैमरा है, मतलब ये रिकॉर्डिंग जो करेगा वो 1080p पिक्सल पे करेगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये गूगल के साथ भी वर्क करता है और एलेक्सा के साथ भी वर्क करता है। प्लस अगर आपके पास एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइस है तो आप दोनों डिवाइसेस से इसको कंट्रोल कर सकते हैं ऐप को इंस्टॉल करके। कौन सी ऐप को इंस्टॉल करना होता है वो आपको मैं आगे बता दूंगा। अगर आप इस साइड से देखें तो इसके कुछ फीचर्स पता रखें, जैसे मैंने आपको बताया ये 1080p पिक्सल पे रिकॉर्डिंग करता है जो है आपकी फुल एचडी रिकॉर्डिंग। इंटेलिजेंट है, मतलब वाईफाई से कनेक्ट होकर वर्क करता है। व्यू एंड टॉक का ऑप्शन है, मतलब आप इस कैमरा के थ्रू जो दूसरी साइड में पर्सन उससे बात भी कर सकते हैं और वो आपसे भी बात कर सकता है। कैसे वर्क करता है वो आपको मैं दिखाऊंगा। इसका जो रोटेशन है वो 360 डिग्री का है और इसमें मोशन अलर्ट भी है, मतलब अगर आपने इसको सेफ्टी के लिए कहीं रूम पे लगा रखा है और कहीं भी मोशन वगैरह होता है तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो कैमरा का पोजीशन है वो मूव करता है। वो कैसे वर्क करता है मैं आगे दिखाई दूंगा जब आपको पूरा इंस्टॉल और सेटअप करके दिखाऊंगा। इजी टू इंस्टॉल है, सीरियसली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कहीं कहीं से कोई बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं, आप खुद भी इसको सेटअप कर सकते हैं जो आपको मैं आज की वीडियो में भी करके दिखाऊंगा। प्लग एंड प्ले डिवाइस है जो आप बड़ा ही आसान है, अगर आप यहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका यहाँ पे अगर आप MRP पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मेंशन करके 5200 रुपये, बट आपको ये अमेजोन फ्लिपकार्ट में बहुत कम प्राइस का मिल जाएगा। तो बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं किस तरीके का ये डिवाइस है जो सीपी प्लस के एंड से आता है। बॉक्स के अंदर आपको ये सारे आइटम्स मिल जाती है। इसमें आपको एक चार्जर मिल जाता है, चार्जिंग केबल मिल जाती है और ये डिवाइस मिल जाता है। प्लस आपको 2 स्क्रूज मिल जाते हैं, अगर आपको इसको सीलिंग वगैरह पे लगाना है तो आप इन 2 स्क्रूज की हेल्प से सीलिंग पे लगा सकते हैं। और पूरा सेटअप कैसे करना है उसके लिए आपको इस तरीके से क्विक ऑपरेशन गाइड मिल जाती है जिसमें आपको बता रखा है कि कौन सी ऐप को इंस्टॉल करना होता है, कैसे फर्स्ट टाइम सेटअप करना होता है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है जिसको मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आप भी इसको लेने का प्लान करें तो आपको इस वीडियो से पूरी हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपको ये पहले दिखाऊं चार्जर तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये चार्जर है जो है आई थिंक अगर आपको इसकी रेटिंग बताऊं तो 5 वोल्ट 1 एम्पीयर का चार्जर है जो कि एक नॉर्मल चार्जर है जो कि अच्छी बात है। इसके साथ आपको ये जो केबल मिल जाती है चार्जिंग केबल जिसकी लेंथ है अराउंड 2 मीटर, तो आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं भी सीलिंग में इसको सेटअप करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे पावर सॉकेट होना चाहिए तभी आप इसको पूरा पावर दे पाएंगे क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर्स की है। ये 2 स्क्रूज मिल जाते हैं। और अगर आपको ये डिवाइस दिखाऊं तो आप डिवाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 360 रोटेशन पर वर्क करता है। जैसे आप देखेंगे ऐसा घुमाना नहीं चाहिए बट आपको मैं अभी टेस्टिंग जब कराऊंगा आगे भी दिखाई दूंगा, मगर इस तरीके से आप देखें तो ये पूरा रोटेट करता है। प्लस इसका जो कैमरा है वो भी रोटेट करता है। यहाँ पे इसका 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है जो आप अगर देख भी पा रहे हो। और बैक साइड से आप देखें तो इसमें एक स्पीकर लगा है जिससे अगर आप कल को बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने मोबाइल फोन से इसको ऑपरेट कर रहे हैं डिवाइस को, तो अगर आप मोबाइल फोन से कुछ भी हेलो या पूछ रहे हैं कि कौन है दूसरी साइड में, तो उस बंदे को यहाँ से स्पीकर से आवाज आएगी और वो यहाँ से बोल के उसका रिप्लाई कर सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको अपने मेन गेट पे इंस्टॉल कर रखा है तो आप अपने ऑफिस से कंट्रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके मेन गेट में कौन डोरबेल बजा रहा है। और आपको अगर पूछना भी है कि क्या काम से वो आया है तो अगर अपने आप मोबाइल फोन से बोलेंगे तो वो यहाँ से आवाज आएगी और बंदा जो भी डोर पे होगा वो यहाँ से रिप्लाई करके बता सकता है। तो इस चीज़ का मुझे बेस्ट यूज़ ये लगा। इससे पहले जो भी डिवाइस आते थे उनमें आपको ये व्यू एंड टॉक का ऑप्शन बहुत कम मिलता था, बट इस वाले आप उस पर्सन से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कौन है कहाँ है तो आप कर सकते हैं, बट इसके पीछे वाईफाई या इंटरनेट का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ना सोचें कि आपने मोबाइल फ़ोन से इसको कनेक्ट कर लिया तो बिना इंटरनेट के भी डिवाइस चलेगा, ऐसा नहीं है। इसको 2 चीज़ों की हमेशा ज़रूरत है, एक पावर सप्लाई, अगर आपको 24 घंटे इसको चलाना है और आपको इसको घर की सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इस डिवाइस को 24 घंटे बिजली मिलती रहनी चाहिए, मतलब 24x7 पूरे समय इसको बिजली मिलनी चाहिए तभी ये डिवाइस चलेगा। अगर लाइट चले गई तो डिवाइस वर्क करना ऑफ कर देगा। दूसरा, अगर आपको रिमोट एक्सेस से इसको एक्सेस करना है, मतलब आप अभी घर पे हैं या अगर आप अभी शॉप पे हैं और आपने इसको कहीं अपने घर पे इंस्टॉल कर रखा है और देखना चाहते हैं कि आपके छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उस केस में ये डिवाइस आपके घर के इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए तभी आप इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसको अपनी शॉप पे लगाना चाहते हैं या कहीं भी लगाना चाहते हैं और दूर जगह से एक्सेस करके देखना चाहते हैं कि उस जगह लोकेशन पे क्या हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये डिवाइस आपके इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए तभी आप रिमोटली एक्सेस करके जो भी लाइव स्ट्रीमिंग है वो देख पाएंगे। वो कैसे कनेक्ट करते हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरीके का कोई सिक्योरिटी कैमरा ले रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिमोटली एक्सेस करते हैं, वो सब आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप इसको कनेक्ट करके इसको पावर देंगे। और यहाँ पे एक रीसेट का बटन भी दिया है। इस साइड से देखें तो ये इसका पैनल है जहाँ पे 2 स्क्रूज लग के अगर आप इसको सीलिंग की साइड में लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये सीलिंग है और आप इस तरीके से इसको फिट करना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो आपकी सीलिंग में जाएगा और उसका ये फिट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, अगर आपको इसको यूं रखना है तो आप यूं रख सकते हैं, बट सिक्योरिटी के पर पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा इसको सीलिंग में ही लगाते हैं
ताकि सबकी नज़रों से छिपा रहे और आपके घर की सेफ्टी या आपके बच्चों की सेफ्टी, अगर आप शॉप में भी इसको लगा रहे हैं या ऑफिस में भी लगा रहे हैं, तो सबकी सेफ्टी बनी रहे। तो इस तरीके से होता है। अब जल्दी से आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे वन बाय वन सेटअप किया जाता है। सबसे पहले आपको ऐप को इंस्टॉल करना होता है। कौन सी ऐप है वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको इजी कैम वाली ऐप को इंस्टॉल करना होता है। तो जल्दी से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर आपके पास iOS का फ़ोन है तो आप iOS में की प्ले स्टोर में भी जाके वहाँ पे इस तरीके की ये जो इजी कैम प्लस वाली ऐप है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल हो जाती है, फिर आपको आगे का स्टेप दिखाता हूँ कि इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होता है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपके दो ऑप्शन आते हैं। अगर आपका पहले से अकाउंट है C++ में तो आप लॉगिन कर सकते हैं साइन इन पे क्लिक करके, और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप साइन अप पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ करना कुछ नहीं होता। आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, उसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके ईमेल आईडी में, और जब आप उसको फिल कर देंगे तो आपका वो अकाउंट बन जाएगा। तो मेरे पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसमें साइन इन कर लेता हूँ और जल्दी से वाली डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो साइन इन करने का इस तरीके से कुछ आएगा और यहाँ पर शो करेगा कि अभी ऑफलाइन है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉट ऑन पे करके मैं डिवाइस पर क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर डिवाइस के लिस्ट शो करेगा कि कौन कौन से डिवाइस से ये कनेक्ट हो सकता है। तो अभी के लिए आप देखें यहाँ पे ये है CPE24A, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अलाउ लोकेशन एक्सेस टू सर्च फॉर नियर बाय वाईफाई डिवाइसेस, आपको इसको अलाउ करना पड़ेगा। मैं सेटिंग्स पे जाके इसको अलाउ कर देता हूँ और यहीं पर देख लेते हैं फिर से क्यों कह रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे भी इसको जाके परमिशन दे देता हूँ। तो अभी के लिए हम देखें इसको बैक करके अलाउ कर दिया मैंने इसको और वापस आ जाते हैं। तो अब ये पूछ रहा है, तो मेरे घर का जो इंटरनेट है उसका नाम है अर्चित, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और एक बार पासवर्ड डाल देते हैं जल्दी से। इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से अभी ये सेक्शन आ गया और ये कह रहा है कि अपने कैमरा को, ये जो कैमरा है इसको इसके पास करिए और उससे स्कैन करिए। बट आप देखेंगे अभी इसको मैंने पावर नहीं दी है, तो अभी टेस्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली पावर बैंक से चला देता हूँ। तो इसको कनेक्ट करने के लिए अभी मैं सिस्का का पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ और उसको मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो जैसे भी आप सप्लाई देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा, इसमें कोई पावर बटन नहीं है ऑन ऑफ करने का। तो आप देखेंगे मैं इसको कनेक्ट कर दिया और आपको वेट करना है, खुद ऑन होगा और एक आपको साउंड आएगा। तो उसको मैंने पावर दे दिया है और आप देखिए, तो आप 5 से 10 सेकंड का वेट करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ऑन क्यों नहीं हो रहा। तो आप देख भी पा रहे होंगे ऑटोमेटिकली वर्क करता है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पावर बटन आपको कहीं मिलेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको इस तरीके से इसके आगे कर रहे हैं तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली होगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये डिवाइस अपने आप इसको तो फेल हो चुका है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो आप देखेंगे इसने इस बार कोड को स्कैन कर लिया है और ये इसे कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको वेट करना होता है। अब हुआ क्या, आपने अपने फ़ोन में वाईफाई से तो कनेक्ट कर ही रखा था, अगर मैं उसकी थोड़ी ब्राइटनेस कर कम करके दिखाऊं, तो आपने इसको अपने पहले फ़ोन्स के साथ कनेक्ट किया और ये अभी वाईफाई से आपके जो घर का वाईफाई है डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे वापस आना है और एक बार फ़ोन की ब्राइटनेस फिर से बढ़ा देते हैं ताकि आप देख पाएँ, और मैं यहाँ पर आता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर शो भी कर रहा है डिवाइस जो है वो ऑनलाइन है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे अब ये घर की पूरी उस तरीके से जो भी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब मैं आपको इसके फीचर्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, और एक बार इसका मैं आपको छोटा सा सेटअप करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप ऐप के थ्रू इसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं टेस्टिंग के लिए दिखा देता हूँ। तो ये डिवाइस जो है मेरे फ़ोन के साथ कनेक्टेड है और दोनों जो कनेक्टेड है वो मेरे घर के वाईफाई से कनेक्टेड है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो आपको अगर कुछ भी देखना है, जैसे अभी आपको देखेंगे इसको मैंने डिवाइस को अपने बेड के नीचे रखा जाके और मैं इसमें बेड में बैठा हूँ, तो अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। और अगर आपको देखिए फुल स्क्रीन पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर मुझे डिवाइस को लेफ्ट या राइट मूव करना है तो मैं सेट करूँगा, तो आप देखेंगे कैमरा नीचे से मूव कर रहा है पूरा। वैसे अगर आपको डाउन करना है तो आप डाउन भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जिस पावर बैंक से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है वो यहाँ पर आपको दिख जा रहा है और डिवाइस इस तरीके से वर्क कर रहा है। वैसे अगर आपको कॉलिंग करनी है तो अगर यहाँ पे अगर कॉलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ एक्सेस मांगेगा और उसके बाद तो आप देखेंगे मेरी ये आवाज़ इको कर रही है, उसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एक बार। तो अगर आपने ये रूम के दूर रखा है या बाहर रखा है तो आप देखेंगे मेरी आवाज़ इको कर रही है यहाँ पे। वैसे अगर आपको यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करनी है तो आप फोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर कुछ भी करें तो आप वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
वैसे अगर आपको यहाँ पे देखें तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर सेटअप करके नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा इसकी आवाज़ को बंद कर देते हैं ताकि आप मेरी आवाज़ सुन पाए। तो आप देखेंगे कुछ फीचर्स इस तरीके के आपको मिल जाते हैं, मोशन डिटेक्शन वगैरह वाले। तो ये सारे फीचर्स जो है वो आपको आने वाली वीडियो में करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में सारे आपको फीचर्स वगैरह टेस्ट कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्लस इंस्टॉलेशन जैसा कुछ इसमें होता नहीं, आपने देखा मैंने नॉर्मल इस सिक्योरिटी कैमरा को अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट किया और अपने फ़ोन को भी वाईफाई से कनेक्ट किया और ऐप को इंस्टॉल किया और दोनों को आपस में पेयर कर दिया। तो इस तरीके से मैं पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आपको फिर से मैं जाके दिखाऊँ तो आप इस तरीके से पूरा इसको मूव कर सकते हैं। तो इस समय कैमरा अपनी जगह से मूव कर रहा है और यहाँ से आप पूरा कंट्रोल करके देख सकते हैं कि घर पे क्या चल रहा है, कौन आया कौन नहीं आया। वैसे आप कहीं भी बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं और ये एक्सेस तभी पॉसिबल है जब आपके घर में प्रॉपर अच्छी इंटरनेट की स्पीड वाला इंटरनेट लगा हो। अगर इंटरनेट की स्पीड आपके घर में बहुत स्लो है तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। रिकॉर्ड होती रहे तो आप यहाँ पे इसका माइक्रो एसडी कार्ड लगा दीजिए 128 GB वाला, उसमें सारी वीडियोस रिकॉर्डिंग होती रहेंगी। बट एक चीज़ अगेन क्लियर कर दूँ, अगर इस पे पावर सप्लाई नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे आप अभी देखें यहाँ पे पावर आ रहा है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये नहीं वर्क करेगा। तो इसमें कोई भी इनबिल्ट बैटरी वगैरह कुछ नहीं आती है। अगर आपको उसको यूज़ करना है 24 घंटे सातों दिन पूरे साल तो आपको हमेशा इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई मिलती रहनी चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। जैसे भी पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हुई तो रिकॉर्डिंग वगैरह सब रुक जाएगी, तो ये होना बहुत जरूरी है। बाकी इसमें जो आपको नाइट विजन वगैरह के, मोशन वगैरह के डिटेक्शन के और कैसे इसको आप सेटअप कर सकते हैं वो आने वाली वीडियो में आपको पूरा करके मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा।